लड़की के बाप का दिया हुआ पैसा, जी विरसे के 20 लाख रुपए और सोना चांदी दिया हुआ, आपने उसके घर उसी के पैसों से बनाया, लड़की के विरसे से, और आपने बिना इजाजत के उसको बेच दिया इनको बाप। डाला। मेरे पास कोई इनका प्रॉपर्टी का केस नहीं चल रहा, प्रॉपर्टी मेरी है, मैं ही बेच सकता हूँ, प्रॉपर्टी मेरी है, मैं ही बेच सकता था हाँ, अभी उसे। मतलब आप जिंदा बैठे हाँ, अभी हैं, मैं जिंदा बैठा आपकी हूँ। प्रॉपर्टी किसके नाम है, वो जिसमें यासर रह रहा था, पाकिजा दौलत रह रही है, मेरी प्रॉपर्टी मेरे वाइफ के नाम है आपके नाम है वो घर, जी, जी मेरे नाम और है जी उसके। अपनी आपने बेच मर्जी दिया, से आपकी बेचा। मर्जी से बेचा, मैं मर्जी का मालिक हूँ, मैंने बेच दिया, मेरी है, मैं ही बेच सकता था हाँ, उसे। अभी जी हमने अपनी बेच मर्जी दिया, से आपकी बेचा। मर्जी से बेचा, मैं मर्जी का मालिक हूँ, मैंने बेच दिया। अगर पेशेंट है, ये कोर्ट के इल्जाम है, इनका रेप का इल्जाम पहले लगाया मुझ पर, फिर मेरे पर बच्ची पोती का पोक्सो का इल्जाम लगाया, फिर उसके बाद क्या कहते हैं ये अपने ससुराल वालों को और मतलब साले पोती के को जरिए पोस्को का कैसे, पोक्सो का इल्जाम। हमने इल्जाम लगाया है हमारी बेटी के साथ गंदी हरकतें करते हैं, अब तक सुल्ला इन्हें इतनी शर्म नहीं आई, मतलब आज तक अपनी आपने पोती, हमारे मुंह से सुना है भाई, सुनिए 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 हमने कहा, और अगर इन्हों हमने करी है कंप्लेंट फरहान भाई, रिपोर्ट जी, इनके पास होगी, आप एक बार रिपोर्ट ऑन लाइव एक बार चलवा दीजिए, आपके रिपोर्ट पास लिखवा पॉक्सो दीजिए की उसको कोर्ट रिपोर्ट के। है? मेरी इन्होंने आपसे थाने में कहा गुजारिश है, है, अगर थाने हमने में इल्जाम लगाया नहीं, है अभी रिपोर्ट अभी आपने जो नहीं, कहा था, हमारे मैंने कहा साइन ना होंगे, थाने में इल्जाम कुछ तो लगाया है, होगा बहू ने फरहान भाई, लगाया है, पॉक्सो की तो हमारी रिपोर्ट तरफ से जी, लगी, हम बहू ने जी इल्जाम वो लगाया, दिखाइए इल्जाम सोने बता रहा हूँ मैं, लगाया है। जबानी तो इल्जाम ये पोती का भी कह रहे हैं, हाँ जबानी इल्जाम तो ये पोती का कह रहे हैं, जबानी इल्जाम पॉक्सो का था, रेप का इल्जाम महिला आयोग में इन्होंने छेड़छाड़ जो भी लगाई वो था, थाने में आके खुला फरहान भाई, इन्होंने रेप रेप इन्होंने कहा। इनकी बात रेप की रख दी मैंने, अगर मेरी वाइफ ने रेप के भी इल्जाम लगाया तो आप इनसे कहिए रिपोर्ट दिखाएं, और उसमें मेरी वाइफ की तरफ तो है कि इन्होंने हम रेप कराई है, अब तक खुला इतनी जो गंदी जो बातें कर रहे हैं जबानी सोशल इल्जाम लगा मीडिया रहा पे, है, कुछ थाने में किस शर्म नहीं बात आ के रही, कैमरे इनकी तोड़ के खुद की गई है बेटियां कि हैं, 100 नंबर पे कॉल करके कि मेरे ससुर मुझे छेड़ रहे हैं, मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं, मेरे साथ देखिए इन्होंने जबरदस्ती आप कर रहे बात हैं। पलट दी, बात चेंज नहीं कर दी, बात अब ये नहीं जस्ट कह मैंने रहे थे कि रिपोर्ट अरे नहीं, मैं जबानी रिपोर्ट नहीं जबान रिपोर्ट कही नहीं है तो दिखाने पोक्सो, से पेपर मैंने पलटने से जबानी बंद कर जबान सकते हो, कही तो जैसे बात भाई पोती का सुनिए, तुम कह रहे मेरे हो, पास बहुत सारी जैसे वीडियो, इन्होंने पोती भाई का ने कह रहे कोई हो। गाली गलौज नहीं करी हमसे, मैं आपको कल ही अपलोड करूंगा सोशल मीडिया पे, मैं अभी तक इसलिए नहीं कर रहा था, कहीं ना कहीं मेरा माँ बाप ही है, इनकी बेइज्जती मेरी होगी, मगर मैं अपनी बेइज्जती तो वाइफ कर के दी लिए, अपनी सारी, मासूम बच्ची के लिए बेइज्जती तो तो लड़ हो सकता हूँ गई, हद से उसका, या उन्होंने सर क्या बिगाड़ा है आखिर, ऐसा तो उन पर जानलेवा हमला हो रहा है, बेइज्जती ये आपके केस बेटे चल कह रहा है, रहे हैं कि मैं इनकी बात अगर से कोर्ट बड़ी में हंसी केस बोल रहा चल हूँ रहा जी, है तो आपने कैसे एक खाली कराने के लिए एक बेच कोर्ट दिया में सब, केस प्रॉपर्टी का नहीं चल रहा, कोर्ट में चल रहा है, इसको बेदखल का केस चल रहा था, या सर कोर्ट आपको में प्रॉपर्टी बेदखल का का चल दर्ज रहा भी है, कराना है, प्रॉपर्टी का केस दरअसल नहीं चल रहा पूरे है, सिविल प्रॉपर्टी का केस चल मालिक रहा है, कैसे मैं बन इनके जाएगा, पेपर भी मेरे पे कॉपी है, मैं आपको वो दिखा दूंगा अगर बेदखल की बात है तो, सिविल बेदखल का केस केसेस चल सर रहा कर है कर 2 तारीख से हेयरिंग में नहीं आ रहे, वो तो मैं झूठ कोर्ट बोलूंगा में, नहीं, ये कह कोर्ट रहे में हैं, सबूत पेश हो जाएगा, जज साहब खुद नहीं इन्हें सुनिए बोल रखा है, इनके वारंट निकलने वाले हैं कि आ नहीं रहे हेयरिंग पे, मिस कर रहे हैं तारीख ही है, या तारीख से सर तारीख, ये कह और रहे हैं उससे पहले कोर्ट हमने में इनको चेक कर मकान, दिया फेस्टा। तुम्हें क्या क्या, तुम तो फिर रिलीजन नहीं हो। ये बीपी पेशेंट इनका कमरा बंद कर देते थे, इन्हें कमरा बंद कर देते, किचन नहीं नहीं निकल पाती थी, खाना खाने ही है, 4-4 घंटे क्या कहते हैं वो बेहोश हो जाती थी, इनकी भी एक वीडियो है, मैं अगर निकालें आप कहें तो मैं दिखाऊं, ऐसी रो रही हैं, ऐसी रो रही हैं ये। गंदी गालियां गंदी आप भी तो गालियां बकते थे औलाद को, नहीं तो हमारी आप दिखाए ना, बकते और थे। गंदी गालियां देना, बदतमीजियां कर, अच्छा हैं, बूढ़े हैं, और जो बीपी पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, बताएं हमारी जिम्मेदारी फरहान कौन भाई ले एक बात सकता है, बताइए मुझे, गोल के अंदर
खाना बढ़वा और ये मेरी वीडियोस बनाती थी पीछे से, मैं जब काम करती थी ना तो मैं वीडियोस बनाती थी, मेरी सब झूठ बोल रही है। इसकी भी वीडियो है मेरे पास, इसकी भी वीडियो है भाई आपकी, मैं आपको बिल्कुल कैमरे में दिखा सकती हूँ। ये तो ये दिखा रहे थे कि मैं जीने पे बैठी हुई थी, मैं इसी वजह से बैठती थी, इनको नहीं आने देती थी, मैं इसी वजह से नहीं आने देती थी। ये मेरा कैमरे पे वीडियोस बनाते थे, डालते थे, और ये वीडियोस तो बराबर आती है पाकीज़ा, पाकीज़ा, लेकिन ये बात सुनी है, वीडियोस तो बराबर आती है इनकी। ये जो कह रही है कि मेरी नंद का मैंने फोटो डाला है, इसका कोई ये आप आईडी देखे कि कौन सी आईडी से डाला है, ये तो भाई 2 मिनट में कोई भी किसी पे भी इल्जाम लगा सकता है, ये बेवकूफी की बातें कर रहे हैं।